नहीं मैम, ऐसा चुनाव से रिलेटेड कोई राजनीति ना तो कांग्रेस पार्टी करती है ना कभी करेगी। पर मैं आपकी एक चीज को जवाब देना चाहता हूँ, एक चीज का जवाब देना चाहता हूँ। सर, चुनावी राजनीति कांग्रेस नहीं कर रही है, इसीलिए दिल्ली दो बार कांग्रेस से मुक्त हो चुकी है। आपको जवाब देना चाहता हूँ। आपने पाकिस्तान का एक चर्चा करी, मतलब आप, मैं मतलब मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब मेरे मुल्क की कोई कंपैरिजन ऐसे मुल्क से कर देता है जो मेरे इकोनॉमिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज मेरे से कहीं भी दसों मील तक जिसका कोई मेरे से कंपैरिजन नहीं होता, और मेरे से उसका कंपैरिजन। इससे आप किसका फायदा कर रहे हो? आप पाकिस्तान का फायदा कर रहे हो, क्योंकि उसकी तो कोई औकात ही नहीं है हमारे सामने रोज उससे कंपैरिजन। कभी हिंदुस्तान के कोई सरकार में बैठे आदमी ने हमारे देश का कंपैरिजन चीन से किया, अमेरिका से किया? बताते कि हमारी जीडीपी ये है, चीन की ये है। बताते कि हमारे यहाँ रोजगार के इतने साधन है, चीन में ये है। आपने बहुत अच्छी बात की, पाकिस्तान से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की। मैं सच बोल रहा हूँ सर, सुनिए। मैं एक वाक्य में खत्म कर दूंगा, फिर सुनूंगा। मैं परेशान हो गया हूँ। पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान का इसने जिंदाबाद कर दिया। अरे कोई जिंदाबाद नहीं करेगा। आप मेरे युवाओं को रोजगार दिलाओ, उसकी बात करो। आप महिलाओं का सशक्तिकरण, आत्मसम्मान लौटाओ, अच्छा, उसकी बात करो। आप पाकिस्तान का ये हो जाएगा, पाकिस्तान में ये हो। मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे मेरे देश से प्यार है, और अगर मेरा कंपेरिजन होना चाहिए तो चीन से करो, ये छोटे मोटे देशों से करके मेरा आत्मसम्मान को नीचे मत ले। आराम से बात करने के लिए, एक तो हम लोग बैठे हैं तो आराम से अपनी बात रखिए। सर, इतने चिल्ला कर बात कहेंगे आप तो थोड़ा ऐसे ही पीछे होने का मन करता है। अच्छा, अभी आपने जो बात कही ना कि भाई पाकिस्तान से मेरे मुल्क का कंपैरिजन क्यों, ये सत्ता पक्ष के लोगों से जो आपने सवाल पूछा, अपनी पार्टी के लोगों से ही पूछ लेते सर पहले। वो लोग जो कहते हैं कि भाई इस सरकार के राज में भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाया जा रहा है, वो क्या था सर? हिंदू पाकिस्तान, ये बयान सर विपक्ष की तरफ से आते हैं, आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आते हैं सर, तब आपको नहीं चुपता है कि मेरे देश की तुलना पाकिस्तान से क्यों कर रहे हो? इसीलिए तो फिर मौका मिलता है ना कि इनका राष्ट्रवाद भी ढोंग है, जिस तरीके से इनका हिंदुत्व ढोंग है कि ये कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनने वाले लोग हैं। अब मैं इसका क्या जवाब दूं उन लोगों से? मैं ही एक टीवी शो में था, बड़ी भारी बात चल रही थी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। बड़े बड़े लोगों से मैंने रामचरितमानस की एक चौपाई पूछ ली तो बगले झांकने लगे थे, बड़े बड़े लोगों से। आप देखना, ये मैं मेरे धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ आके क्यों करूं? मेरे को ये बताने की क्या जरूरत है कि मैं सुबह आज कौन से सुंदरकांड का पाठ करके आया कि नहीं करके आया, या हनुमान चालीसा करके आया कि नहीं करके आया? और मैं आपको दावे से कहता हूं, और यहां लखनऊ की धरती पे खड़ा होके बोलता हूं, 99.9% भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ज्यादा धर्म ग्रंथों का ज्ञान मुझे अकेले को होगा। ये मेरा चैलेंज, आप चाहे तो परीक्षा करवा लीजिए अभी के अभी।